सोलन में खंड विकास अधिकारी को 100 दिन का टारगेट मिल चुका है, जिसको लेकर आज खंड अधिकारी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया और संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए ताकि भाजपा सरकार द्वारा दिए गए टारगेट को 100 दिनों की तय सीमा में पूरा किया जा सके। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभाग जोर शोर से तैयारियों में जुट चुका है और लक्ष्य को पूरा करने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए खंड विकास अधिकारी डॉक्टर प्रियंका चंद्रा ने बताया कि 100 दिनों के भीतर उन्हें प्राकृतिक स्रोतों की सफाई करनी है ताकि पानी की किल्लत होने पर भी पानी के संकट से लोगों को जूझना ना पड़े। वहीं दूसरा कार्य उन्हें सौंपा गया है कि खंड में बीपीएल सूची में जितने भी अपात्र लोग हैं उन्हें बीपीएल सूची से बाहर किया जाए, साथ ही जो पात्र लोग हैं उन्हें सूची में शामिल किया जाए। इसीलिए इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज बैठक कर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 100 दिन की कार्य योजना जो है वो चलाई जा रही है। जो उसमें जो टॉपिक्स है वो तो है एक मेरा हिमाचल स्वच्छ हिमाचल, उस पर जो है हमने काम करना है। इसमें रैलीज होंगे, डिबेट्स होंगे और एक स्वच्छता प्लेज जो होगी वो दी जाएगी। और इसमें यह है कि आपने जितने भी ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज है उनको क्लीन करना है और जो भी हॉटस्पॉट्स है जहां पर गंदगी अमूमन जो है फैली होती है उसको साफ करना है और उसको स्वच्छ बनाना है। तो ये हमारी मुहिम है। और इसमें पार्ट टू है वो है हमारा बीपीएल जो है बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रहते हैं उसमें से ये देखना है कि कौन से लोग हैं जो अपात्र लोग हैं उनको बीपीएल लिस्ट से निकालना है और जो पात्र लोग हैं उनको बीपीएल लिस्ट में डालना है। तो इन दो जो योजनाएं हैं और इन दोनों काम के लिए हम चाहते हैं कि सारे लोग इकट्ठे मिलकर आए, 35 पंचायत के प्रधान उपप्रधान वार्ड मेंबर्स और सभी लोग हमारा साथ दें जिससे कि हम इस जो पूरे ये जो 100 दिन का हमारा जो काम है हम उसको अच्छे से कर सके और मिलजुल कर सबके साथ कर सके।